रादौर सरकारी हॉस्पिटल के SMO ने कहा, हर घर दस्तक अभियान के तहत कवर किए जा चुके हैं 5200 घर। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने मंगलवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 100% कोविड टीकाकरण अभियान के तहत चलाए जा रहे हर घर दस्तक अभियान में अब तक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 5200 घर कवर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आशा वर्करों की सरकार से कुछ मांगों को लेकर अब वे इस अभियान में हिस्सा नहीं ले रही हैं, लेकिन ANM मल्टीपर्पज वर्कर व सक्षम के जरिए यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। टीम द्वारा रादौर व अलार PHC के अंतर्गत 1400 से 1500 घरों को रोजाना कवर किया जा रहा है। इस दौरान टीम द्वारा पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिन संस्थाओं द्वारा टीकाकरण शिविर लगाए गए थे उनके प्रतिनिधियों को भी दूसरी डोज के लिए लोगों को लगवाने की अपील की जा रही है। ये हर घर दस्तक जो हमारा अभियान है ये शुरू हो चुका है। हमने पहले भी जैसे इसको जब शुरुआत की थी तो हमने एक ही दिन में 4600 घर किए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी आशा हमारी जो है उनकी कुछ डिमांड है जिनकी वजह से वो घर घर दस्तक में कार्य नहीं कर रही, लेकिन इस कार्य को हमें रुकने नहीं दिया। और ये कार्य हमारी जो ANM है और साथ में हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं और सक्षम है उनको लगा के करवाया जा रहा है। तो लगभग रोज़ हम 800-900 घर जो है डेली कवर कर रहे हैं इसके अंदर, और रादौर से, और बाकी 500-600 घर अलहार से, यानी कि टोटल देखें तो 1400-1500 घर डेली कवर हो रहे हैं, जिनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डोज जो ड्यू थी वो रह गई तो उनको फर्स्ट डोज लगाई जा रही है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू थी पेंडिंग थी और वो उनको लगाई जा रही है। रादौर के गांव कांजनू में चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रादौर के गांव कांजनू में चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाए जाने की योजना का ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को भी विरोध किया गया। ग्रामीणों ने कमेटी के प्रधान जयप्रकाश काम्बोज के नेतृत्व में सरकार व प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से गाँव में फैक्ट्री न खोले जाने की मांग की। वहीं इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की गई। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश काम्बोज ने कहा कि गांव में चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगने से गांव का वातावरण दूषित होगा, जिस कारण गांव व क्षेत्र के लोग सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में सांसद नैब सैनी ने कहा, भाजपा सरकार में बिना खर्ची व पर्ची के मिल रही हैं नौकरियां। रादौर में मंगलवार की देर सायं भाजपा मंडल महामंत्री धनपत सैनी के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र सांसद नैब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां देने का अभूतपूर्व कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से कुरुक्षेत्र लोकसभा से सैकड़ों युवाओं को सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरियां मिली हैं, जो पहले मोटी रकम व बड़ी सिफारिश देने के बाद मिलती थी। पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो ट्रांसपेरेंसी सरकार चल रही है कि आज किसी माँ बाप को किसी के पीछे घूम करके जुतियां तड़वाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकार का निर्णय अगर किसी ने दिया तो मनोहर लाल जी ने दिया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। देखिए, अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, अगर वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अंदर कहीं पकड़ा जाता है, तुरंत ये मनोहर लाल जी की सरकार है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आदेश हो जाता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। रादौर के गांव हड़ताल में पूर्व राज्य मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुन किया मौके पर समाधान। भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार को गांव हड़ताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता रूपेंद्र सिंह मल्ली के निवास पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि उनके जनसंपर्क अभियान में लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे लोगों की मुख्य मांगों व समस्याओं से सरकार व प्रशासन को रूबरू करवाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए जनता के दरवाजे हमेशा खुले हैं।